लतीफ पार्क शाहदरा से गुजरने वाली पुरानी नारोवाल रोड शाहदरा की अहम रोड गर्दानी जाती है। लतीफ पार्क मेन रोड और इससे मुलहिका गलियों में जमा सीवरेज का पानी यहाँ के बसने वालों की बेबसी का मजाक उड़ा रहा है। सीवरेज का पानी जमा होने से इलाके में बीमारियां फैल चुकी हैं, जबकि रिहायशी तहफुन ज्यादा माहौल में जीने पर मजबूर हैं। मकीनों का कहना है कि सीवरेज के खड़े पानी और वासा की बेहिसी के बायस अजाबे मुसलसल में मुब्तला हैं। वासा वाले उनको फ़ोन करते हैं, वो हमारी बात सुनते नहीं हैं। वो कहते हैं कि बस जी आ रहे हैं, ठीक है आते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, आते हैं, लेकिन यहाँ खड़े हो जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे, यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी होती है लेकिन काम नहीं करते। ये पानी पानी सब पानी पानी, कोई शह नहीं हो ना, जुमा पढ़ना कपड़े भी खराब, कोई लोग जुमा पढ़ने सीते आमदा नहीं साड़ी से। बड़े बोर्ड से ये एम एन ए होते हैं तो चुपचाप बैठे हैं, आप इनको घरों में सुकून है, आप चदरे का हाल देख ही रहे हो, क्या मसला है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। साल ही हो गया पानी गंगा च खलोता है, बच्चे जेने ने स्कूल के बड़े तंग होते हैं, बत्तियां खराब हो जाएगा। निकासी आपके नाकिस इंतजाम के बायस तालिबे इलम एक हफ्ते से घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। हमारी गलियों में गोटे गोटे जितना पानी खराब है, हम स्कूल नहीं जा रहे, हमारे 8 दिनों में इम्तहान है। हमारी गली में इतना पानी खड़ा हुआ है, इतना पानी खड़ा हुआ है, हम स्कूल जाने लगते हैं तो वर्दी गंदी हो जाती है, फिर वापस चले जाते हैं घर में। लतीफ पार्क शाहदरा के मकीनों का कहना है कि बेशक लाहौर बदल रहा है लेकिन इंतजामी इदारों की नाअहली के बायस कुछ इलाके अब भी शहरी हदूद में होने के बावजूद किसी लिहाज से कम नहीं। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के साथ दुरैनायाब सिटी 42।